मेकअप लुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना अभी, तो किसी भी फेस्टिवल में हम ये वाला लुक क्रिएट करेंगे तो बहुत ही स्मार्ट लगेगा। करवा चौथ, दिवाली, दशहरा, भाई दूज, हर एक पे बहुत ही स्मार्ट लुक देगा। बहुत ही पूरा इंडियन ट्रेडिशनल लुक है ये। इसके साथ साथ में मैंने हेयर स्टाइल, ज्वेलरी वगैरह, दुपट्टा सेटिंग, एवरीथिंग मैंने जो है उसके अकॉर्डिंग ही किया है, जैसे हमारे इंडियन फेस्टिवल्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग किया है। अभी आज के वीडियो में तो सिर्फ ना मेकअप बता रही हूँ, आने वाले वीडियोस में ये दुपट्टा सेटिंग भी मैंने किस तरीके से किया है और ये वाला हेयर स्टाइल भी मैंने किस तरीके से किया है, तो इसको भी मैं आने वाली वीडियोस में डालूंगी क्योंकि ये पूरी हमारी फेस्टिवल सीरीज चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मेबेलिन का फाउंडेशन यूज किया है, 115 मेरा शेड है, तो इसको हमने अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद में हम इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। और पता है ऐसे पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा सा अपने हाथों से एक बार इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे हाथों की जो गर्मी होती है ना उससे बहुत अच्छा फाउंडेशन हमारे पूरे फेस के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जो भी यूज करना चाहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। और ब्यूटी ब्लेंडर को भी ना हल्का सा गीला कर लेंगे, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गीला करके इस तरह से डैब डैब करके पूरा अपना फाउंडेशन को हम अपने स्किन के अंदर कर लेंगे। बताइए एकदम फाउंडेशन लगाओ ना तो लगता है कि बहुत ज्यादा लग गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके ना बिल्कुल सेट हो जाता है। देखो अभी भी जो मैंने मेकअप क्रिएट किया हुआ है ना इस पे भी सेम ऐसे ही इतना ही फाउंडेशन मैंने लगाया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा ये हमारा सेट हो जाता है। इस तरह से फाउंडेशन को सेट करने के बाद में फिर मैंने ये कंसीलर लिया एले गर्ल का, जहां जहां पे भी हमारे डॉट्स हैं, पिंपल के स्कार्स हैं, डार्कनेस है, अंडर आई डार्क सर्कल्स है, वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे कंसीलर को और फिर इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में लिया है मैंने कंसीलर, फिर अपने बेस को हम कॉम्पैक्ट से सेट करेंगे। यहाँ पर अपने ये हेयर लाइन पे बहुत अच्छी तरह से लगा लेंगे। उसके बाद आईब्रोज के लिए मैंने ब्राउन कलर की पेंसिल को यूज किया है और उससे पे अपनी आईब्रोज को हम फिल करेंगे, छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हुए अपनी आईब्रो फिल करेंगे। उसके बाद ये कलर एसेंस का मैं कंसीलर यूज करूंगी अपने आईज का जो आई शेडो है ना उसको और ज्यादा पॉपअप करने के लिए, और हमारी जो आईब्रोज है ना इसके भी बहुत ही अच्छा फाइन लुक आएगा एकदम। इसको भी पहले ब्रश से डैब डैब करके अपने स्किन पे लगा लेंगे, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लेंगे और बाद में ना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी लगा लेंगे, इससे पूरा ही हमारा सेट हो जाएगा। अब हम लगाएंगे ना इसके ऊपर आई शेडो तो बहुत अच्छा आएगा वो। और फिर इसके बाद मैंने कलर एसेंस का ये हाईलाइटर था, ये सारे हाईलाइटर्स का मिक्स सा शेड ले लिया मैंने। उसके बाद में हम एक आई बेस देंगे, इस तरह से अपनी आईज को एक बेस दे दिया हमने, इससे क्या जैसे हमारा आई शेडो कहीं नहीं भी लगा हुआ ना तो वहां पर भी शाइन आएगा हमारी आईब्रोज के, मतलब आईज की आईलिड्स के ऊपर। उसके बाद क्योंकि मेरा ऑरेंज ड्रेस है तो मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है, इससे हल्का सा साइड से लेते हुए, छोटा सा ब्रश से लेते हुए अपनी क्रीज लाइन पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद बिल्कुल आईलिड्स के बिल्कुल सेंटर पे मैं गोल्डन आई शेडो है वो अप्लाई करूंगी, क्योंकि अक्सर हमारी ड्रेस में ना ये ऑरेंज वाला, गोल्डन वाला, मजेंटा शेड से बहुत होते हैं ये, तो गोल्डन हम बीच में आईलिड्स के सेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने काजल लिया, काजल को मैं ऊपर भी लगाऊंगी और अंदर भी लगाऊंगी। एक बार ऊपर भी लगा लो ना काजल तो फिर आईलाइनर बड़ा इजीली लग जाता है। उसके बाद ये शुगर कंपनी का मैंने आईलाइनर लिया है और इसको अपनी आईब्रोज के ऊपर लगा दिया, काजल के नीचे लगा दिया। और फिर उसके बाद में ना सेम पैलेट से ही मैंने आई शेडो का जो मेरा पैलेट था वहीं से मैंने अपना ये कंटूरिंग किया है, ब्रॉन्जिंग किया है हल्का सा, बहुत व्हाइट व्हाइट फेस ना लगे इसे ब्रॉन्जिंग किया है। ये सारा वीडियो ना ब्रॉन्जिंग और कंटूरिंग का आने वाले टाइम में मैं अपलोड करूंगी, आप जरूर उसको भी चेकआउट करिएगा। ये कंटूरिंग पूरा ही सही प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम कंटूरिंग करते हैं, ये वाला वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इस तरीके से नोज अगर हमारी शार्प हमको दिखानी है तो हम कंटूरिंग करते हैं।
तो इस तरह से कंटूरिंग करने के बाद फिर आईज के इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया, जिससे हमारी आईज जो है बड़ी बड़ी दिखे। और फिर जो हमने ऑरेंज आई शेडो जो हमने ऊपर लगाया था, वही सेम हम बिल्कुल आईज के नीचे, बिल्कुल काजल और लाइनर के बिल्कुल नीचे, यहाँ से लेते हुए बिल्कुल साथ साथ में करते हुए हम लगाएंगे। उसके बाद हल्का सा ग्लिटर देने के लिए आईब्रोज के ऊपर ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर है, गोल्ड शेड में है ये, इसको बिल्कुल आईलेट्स के बिल्कुल सेंटर में मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। और फ्रेंड्स ये वाले मेकअप लुक में भी बहुत ही जल्दी वीडियोस आने वाली है, आप जरूर चेकआउट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, इस तरह से बहुत ही प्यारा लगता है, ये फेस्टिवल्स में ना शाइन करती है हमारी आईज। तो ये ग्लिटर वाला आई शेडो थोड़ा सा लगाने के बाद में फिर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से मस्कारा ये ऊपर और नीचे हम अप्लाई करेंगे। और इस बार ना पहली बार मैंने फॉल्स आईलैशेस भी लगाई थी, पहली बार ट्राई किया था ना, तो उसको मैंने फिर अभी इसके बाद लगाया था। थोड़ा सा कैमरा लेके चाहे घुमा भी दे। फिर इस तरह के से लिपस्टिक लगाने से पहले हम लिप लाइनर जरूर लगा लेंगे, उससे हमारी लिपस्टिक बिल्कुल सेट रहती है। तो ये कलर सेंसेशनल का मैंने 540 लिप लाइनर है इसको यूज किया है, उसके बाद में हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। ये मैंने हल्का सा ऑरेंज शेड में लिपस्टिक को लिया है, कलर एसेंस की लिपस्टिक है, जो भी आपके पास में ऑरेंज कलर का कोई भी शेड है लिपस्टिक का तो वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे नीचे हमने हल्का सा वो लिप लाइनर लगा दिया ना, तो लिप लाइनर रेड से उसमें आता है, तो ऑरेंज और रेड का ना अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये जैसे कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऑरेंज और रेड, क्योंकि नीचे रेड बेस था और ऊपर ये ऑरेंज था। उसके बाद सेम पैलेट से मैंने ब्लशर लिया और अपने चीक्स के ऊपर उसको सेट कर लिया। एकदम हम ब्लशर या फाउंडेशन लगाते हैं ना, एकदम तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक आधे घंटे के बाद ना हमारा मेकअप सेट हो जाता है बिल्कुल, फिर वो जो ज्यादा लग रहा होता है ना वो बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। इस तरीके से ब्लशर को भी हम ऊपर करते हुए अप्लाई करेंगे। और ये फॉल्स आईलैशेस जो मैंने प्रगति मैदान से एक साल पहले ली थी, तब से रखी हुई थी, मैंने कहा चलो आज इसको ट्राई करते हैं। तो ट्राई किया तो इसका जो ग्लू वगैरह था ना वो भी बिल्कुल सूख गया था, पर चलो हमारा काम चल गया, थोड़ा सा उसको ऐसे लगा के ना फिर हमने लगाया तो बड़ी सुंदर लग रही थी ये आईलैशेस, फॉल्स आईलैशेस। उसके बाद मैंने अपना ये ज्वेलरी वगैरह पहन लिया और इयर रिंग्स वगैरह पहन लिया साथ में। फिर इसका हेयर स्टाइल भी मैंने शूट किया, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। वो हेयर स्टाइल मेरा मांग टिका के साथ में, ये बैंगल्स वगैरह मैंने पहन लिया और ये बहुत सारी रिंग्स मैंने ये सब पहन लिया। तो फ्रेंड्स आज इस मेकअप लुक में हमने आईलैशेस भी अप्लाई किया है, मैंने फॉल्स आईलैशेस आज पहली बार अप्लाई किया था, तो मैंने कहा पहले लगा के देखती हूँ ठीक से लगती है कि नहीं, तो बहुत ठीक से लग गई है और मुझे बिल्कुल भी तंग भी नहीं कर रही है ये आईलैशेस। अब आगे आने वाली वीडियोस में ना पूरा अप्लाई करके बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आज तो मैंने कैमरे के पीछे मैंने इसको अप्लाई कर लिया। हमारा मेकअप लुक कंप्लीट है, आप इस मेकअप लुक को जरूर क्रिएट करिएगा और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आजकल Amazon पे बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल सेल भी चल रही है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक आई लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।